तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 रिलीज हो चुकी है और इसका जो प्लॉट है जो कि कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा कि आखिरकार हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट रकून के पीछे पड़ा क्यों है, और अगर वो हाई एवोल्यूशनरी इतना ज्यादा पावरफुल था ही तो फिर आखिरी में गमोरा ने उसको एक चाकू से ही कैसे मार दिया। और फिल्म में जिस केमिकल की बात हो रही थी जिसका नाम था लोली को बेटा माइक्रोसेबिटॉन प्रोटीन, वो एक्जैक्टली है क्या? तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट आता है कि हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट के पीछे क्यों पड़ा था पूरी फिल्म में। तो हाई एवोल्यूशनरी एक साइंटिस्ट होता है जो कि जानवरों को जेनेटिकली मॉडिफाई करने का काम करता है, और इसलिए जब वो पास्ट में कुछ जानवरों को मॉडिफाई कर रहा था तभी वो एक बेबी रकून को भी मॉडिफाई करता है जो कि हमारा रॉकेट होता है। हाई एवोल्यूशनरी ने बेसिकली बहुत सारे जानवरों को मॉडिफाई कर रहा था, जैसे कि ये जो कि रॉकेट की गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम लायला होता है, जो कि एक ऑटर है जिसको हिंदी में हम ऊंट बिलाव भी बुलाते हैं। इसके अलावा रॉकेट के दो और दोस्त भी थे जिसको हाई एवोल्यूशनरी ने जेनेटिकली मॉडिफाई कर रखा था, जिनका नाम होता है फ्लोर जो कि एक खरगोश है, और ये है टीव्स। अब एक्चुअली में रॉकेट का दिमाग इन दूसरे जानवरों से सबसे ज्यादा तेज भी था, इसलिए हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को सबसे ज्यादा पसंद भी करता था। अब साथ ही साथ हाई एवोल्यूशनरी एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था जिससे जानवरों का म्यूटेशन प्रोसेस जल्दी हो सके और जानवर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और साइज में बड़े हो जाएं। लेकिन उसे इस एक्सपेरिमेंट में एक दिक्कत आ रही थी कि जानवर साइज में तो बहुत बड़े हो रहे थे लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो रहे थे। अब ये चीज हाई एवोल्यूशनरी एक दिन रॉकेट को दिखाता है और सरप्राइजिंगली रॉकेट बता देता है कि इस एक्सपेरिमेंट में एक केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है जिसका नाम है लोली को बेटा माइक्रोसेबिटॉन प्रोटीन। ये सुनकर हाई एवोल्यूशनरी चौंक जाता है और जब वो इस प्रोटीन की मात्रा कम करके उस एक्सपेरिमेंट को फिर से ट्राई करता है तो ये एक्सपेरिमेंट अब की बार सक्सेसफुल रहता है और जानवर अब एक नॉर्मल कंडीशन में बाहर निकलता है, ना कि ज्यादा एग्रेसिव। ये चीज देख के हाई एवोल्यूशनरी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि रॉकेट इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कैसे, और इसलिए वो उसके साइंटिस्ट से कहता है कि कल सुबह हम रॉकेट का दिमाग निकाल लेंगे और इसके बाकी दोस्त फ्लोर, टीव्स और लायला को भी मार देंगे। ये सुनकर रॉकेट वहां से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन वो तो वहां से एस्केप कर लेता है लेकिन उसके बाकी फ्रेंड्स बच के नहीं निकल पाते और मारे जाते हैं। और इसके बाद हम सीधा प्रेजेंट में आते हैं जहां पर हाई एवोल्यूशनरी को पता चलता है सॉवरेंस के द्वारा कि रॉकेट अभी भी जिंदा है, जो कि वो सोचता था कि रॉकेट मर गया होगा। और ये चीज पता चलते ही उसके मन में फिर से इच्छा जागृत होती है कि उसे रॉकेट का ब्रेन फिर से चाहिए, क्योंकि शायद रॉकेट का ब्रेन यूज करके वो बहुत ज्यादा बायोटेक में एडवांसमेंट कर सकता है। इसी कारण से वो पूरी फिल्म में रॉकेट रकून के पीछे पड़ा हुआ था। अब इस बात पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी पूरी फिल्म में इतना ज्यादा पावरफुल था लेकिन गमोरा ने तो उसको आराम से ढेर कर दिया। अब एक्चुअली में बात यह है कि इस पूरी फिल्म में इन्होंने हाई एवोल्यूशनरी की पावर्स का ओरिजिन कहीं बताया ही नहीं है। मोस्टली यही हुआ होगा कि इसने खुद को भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया होगा और अदरवाइज वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही है, और गमोरा ने उसे मौका देखकर उसे ब्लेड से इंजर कर दिया। अब एक फारफेस्ट पॉसिबिलिटी यह है कि शायद हाई एवोल्यूशनरी मरा ही नहीं, क्योंकि रॉकेट ने उसे कम्प्लीटली नहीं मारा था, उसने उसे वहीं छोड़ दिया था शिप के साथ डिस्ट्रॉय होने के लिए। लेकिन इस थ्योरी की पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि ये ट्रायोलॉजी का एंड था और बहुत कम चांसेस है कि फ्यूचर में मार्वल वाले हाई एवोल्यूशनरी को फिर से वापस लाएं। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर तुम्हें इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन का ब्रेकडाउन चाहिए तो इस वीडियो पे क्लिक करो।